दोस्तों कमेंट बॉक्स में सूर्य कुमार इज बेस्ट जरूर लिखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको बता दें कि सूर्य कुमार ने एक इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वो एक पहले भारतीय बन गए हैं। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के 56वें में मंगलवार को मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलने उतरी। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए करो या मरो के इस आखिरी लीग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 10 विकेट से जीत हासिल कर प्लेऑफ में जगह बना ली। शारजाह के मैदान पर खेले गए इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गंवा दिया, जिसके बाद क्विंटन डिकॉक भी 25 रन की छोटी मगर विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने इस मैच में एक बार फिर अच्छी पारी खेली और संभालने का काम किया। हैदराबाद के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने 29 गेंद में 5 चौके की मदद से 36 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही सूर्य कुमार ने एक खास कारनामा किया और IPL का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने इसके साथ ही इस सीजन में अपने 400 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सूर्य कुमार यादव ने लगातार तीसरे सीजन में 400 से ज़्यादा रन बनाने का काम किया है और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सूर्य कुमार यादव इसके साथ ही IPL के 3 सीजन में लगातार 400 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। IPL के इतिहास में इससे पहले कोई भी भारतीय एक बार से ज़्यादा किसी एक सीज़न में 400 से ज़्यादा रन नहीं बना पाया है। दोस्तों इसलिए कमेंट बॉक्स में सूर्य कुमार को कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।